हेलो गाइज, व्हाट इज अप, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, हैप्पी जन्माष्टमी सब। एक सेकेंड, मेरी आँख में कुछ चला गया यार। तो गाइज, हैप्पी जन्माष्टमी मेरी तरफ से आप सबको और आपके पूरे परिवार को। और बस अब हम लोग उठे हैं सोकर, और आज है फास्ट पूरे डे का। मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ, रेडी तो नहीं हुई, नहा धो चुकी हूँ अच्छे से, और हेयर वॉश भी करना था। और मुझे, मेरा बहुत ऑयली हो रहा है सर, बट मैं कर नहीं पाई क्योंकि मुझे दोबारा कोल्ड हो गया, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। अगर मैं हेयर वॉश कर लेती तो ज्यादा हो जाता फिर। तो अभी फटाफट से होते हैं रेडी, और फिर हमें मंदिर भी डमरू लेके खड़ा हो गया, फिर हमें मंदिर भी डेकोरेट करना है। और दिखाते हैं आज पूरा डे हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं। गाइज, सो गाइज, फाइनली मैंने चेंज तो कर लिया है, बट अभी थोड़ा बहुत टचअप करना है, ज्यादा कुछ मेकअप नहीं करना खास। और बस फिर आई एम रेडी टू मेक रील्स। और अब आप लोग सोच रहे होंगे आंटी का है, मतलब काफी लोग शिल्पा ब्लॉग में बोल रहे थे कि आंटी को नहीं दिखाते आप, मम्मी को नहीं दिखाते ये वो। मम्मी गाइज घर पे हैं, बिजी हैं, और मैं यहाँ पे हूँ शिल्पा के साथ, क्योंकि वी गाइज आर शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस। तो उस चक्कर में, जैसे पिछले साल हमने इतनी अच्छी डेकोरेशन की थी, सब किया था, इस बार नहीं कर पाए क्योंकि सारा सामान आधा पैक्ड है आधा अनपैक्ड है, तो उसकी वजह से बहुत मेस्ड अप हो रहा है। तो फिर हम लोग शिल्पा के घर पे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार जन्माष्टमी। तो अब मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ और फिर मिलती हूँ। तो गाइज, फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अभी शिल्पा रेडी हो रही है फटाफट से, और पूरा लुक मैं जब वो हो जाएगी रेडी तब दिखाऊंगी आराम से। बाकी अभी मैं फटाफट से मंदिर की डेकोरेशन कर लेती हूँ जब तक वो रेडी हो रही है, और फिर बस फिर तो कुछ नहीं, फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइज, इतनी डेकोरेशन तो साहिल ने कर दी थी क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा काम था, तो हमने हेल्प ले लिया। साहिल ने, शिल्पा ने, मैंने भी साहिल की हेल्प से करी होगी ना? नहीं नहीं पूछ ले। हाँ, ये लाइट मैंने की है, बाकी सब इन्होंने खुद ही की है, क्योंकि आज ये कह रहे थे कि ये इसको बिल्कुल आप कुछ नहीं करोगे, इसको पूरा डेकोरेट मैं ही करूंगी। और अब छोटा जो काम रह गया वो सारा फटाफट मुझे करना है, गाइस। काजल जो है रेडी हो चुकी है। चल काजल, दिखा अपनी लुक फटाफट। सुंदर गाइस, मैं इतना कुछ नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत शाय फील आ रहा था, तो शिल्पा ने सारी ज्वेलरी मुझे पहनाई है जबरदस्ती, हाथों में ये सब। तो यार जन्माष्टमी है और क्या, पूरे दिन से फास्ट किया है, कान्हा जी के लिए इतने सुंदर सुंदर रेडी होंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। मेरा फेवरेट फेस्टिवल है गाइस, हर साल बचपन से अब तक मैं फास्ट रखते आ रही हूँ, और रात को 12 बजे के बाद चांद देखने के बाद ही हम खाना खाते हैं। तो अभी तो 12 बज चुके हैं ऑलरेडी, बट चांद नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो हम वेट कर रहे हैं और तब तक थोड़ी बहुत रील्स बना लेंगे। और आज पूरा डे हो गया था फास्ट रखे रखे, तो मैंने ये स्ट्रैटेजी लगाई थी, सुबह उठी मैं और फिर उसके बाद पूजा की और नारियल पानी पिया और मैं सो गई, क्यों भूख ही ना लगे गाइस, क्योंकि आजकल तबीयत खराब है ना, तो मुझे ज्यादा मतलब मन करता है कि भूख लग रही है पर खाया नहीं जाता, तो ना फिर उसके बाद ऐसे डिजीनेस होती है, तो मैंने सोचा सो जाकर। पर आज हमें कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, नहीं होता मेरे को कभी भी जन्माष्टमी तो वाले दिन ना जूस वूस कुछ मुझे नहीं। सकते कृष्ण जी हमें खुद हिम्मत देते हैं की हमने हमारा फास्ट रखा है, तो मैं तुम्हें हिम्मत दू उसको रखने की। yes. तो अभी हम लोग शिल्पा में बनाएंगे रील्स मिलके, और मैं शिल्पा का भी पूरा लुक दिखा देती हूँ आपको मेरे व्लॉग में। ठीक है, उसके व्लॉग में देखेंगे। कुछ तो अलग अलग ही रहना चाहिए ना। और अभी हम करेंगे पूजा जब चांद निकल जाएगा, उससे पहले थोड़ी बहुत रील्स बना लेते हैं फटाफट। मम्मी का भी कॉल आने वाला है कि घर आ जाओ खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें घर ही जाना है खाना खाने। आज मैंने अपनी फेवरेट आलू गोभी की सब्जी बनवाई है विद पूरी और रायता। तो चलो गाइस, जमाना राधे 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 गोविंदा राधे 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 जमाना राधे 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 गोविंदा राधे ओ राधे बाजा मना राधे। ये स्टाइल समझ नहीं आया मेरे को, एक बार पीछे से भी देख लो आप। और मुझे सिखा रही थी स्टाइल कैसे बैठते हैं लहंगे में। तो गाइस फाइनली अब हम लोग पूजा कर रहे हैं और फिर सीधा घर जाएंगे, पहले पूजा कर लेते हैं आराम से, फिर बाद में बात करते हैं। गाइस थोड़ा ना काजल है लेफ्टी, तो ये थोड़ी सी भूल जाती है बीच बीच में, लेकिन अभी इसको बता दिया मैंने कि सीधे थैंक यू, वो फिर भी पूजा कर रहा है।
और की को और उनकी फैमिली को बहुत खुश रखे और सबको सबको सक्सेस मिले। और जितने भी लोग कमेंट करते हैं काजल दी हम बहुत स्ट्रेस में, हमें भी टेंशन है, ये वो, सबकी टेंशन खत्म हो जाए, सबका स्ट्रेस खत्म हो जाए और सब बहुत खुश खुश रहे, हैप्पी हैप्पी रहे। पता नहीं जब भी मैं कुछ मतलब भगवान से जब भी कुछ मांगने बैठती ना तो मेरे मन में ऐसे रहता है प्लीज 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 भगवान जी प्लीज ऐसे करो ना, मुझे भी ये बताना कौन कौन ऐसे इंग्लिश में आ जाता है भगवान के साथ। और फिर ऐसे सोचती हूँ यार मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, मैं कैसे मांग रही हूँ, कैसे नहीं है वो तो। पर मैं दिल से कह रही हूँ कि सबकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए और सब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में सक्सेस ले और ग्रो करे और बहुत नाम कमाए, पैसा कमाए गाइस। बाकी हमारी पूजा डन हो चुकी है, अब हम सीधा चेंज करके जाएंगे मम्मी के पास क्योंकि मम्मी ने बना दिया खाना और एक बज चुका है अब, तो फटाफट से चेंज करते हैं और चलते हैं। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं घर और घर जाके जल चढ़ा के फिर खाना खाएंगे और बस सीधा सो जाएंगे। यार काजू मेरा मन कर रहा है झूला झूलने चले गया। अब नहीं सर हिम्मत ही नहीं है, उल्टियां ही करोगे खाली पेट झूले पे और भीड़ भी बहुत होगी। हाँ लग तो रहे होंगे, अभी तो विवेक कह रहा था काफी टाइम तक लगे रहेंगे झूले। और झूलने का मजा अलग है घर के, यहाँ पे इतनी सुंदर लाइटनिंग की हुई है। तो बहुत मन था मेरा इस्कॉन टेम्पल में, अरे बहुत भीड़ है, मैं लोगों की स्नैप्स देख रही थी ना नहीं जा पाए अंदर तो तक, कल ही पता लग गया ना। मेरा तो वृंदावन जाने का मन था, मेरा भी, मैंने भी इसको वृंदावन ही बोला था पर ना नहीं जन्माष्टमी पे। पर पता क्या होता है साहिल, फिर आप सुबह ही जाके इस्कॉन टेम्पल में बैठ जाओ तो आप रात को दर्शन कर पाओगे। ये तो है देखो थोड़ी सी मेहनत है पर ये की फिर वो चीज अच्छी भी है। जिस दिन इतनी पावर और एनर्जी आएगी अंदर तो जरूर जाऊंगी वृंदावन जन्माष्टमी वाले डे। बाकी जैसे शिल्पा ने बताया कि हम जल्दी जाएंगे तो चलेंगे गाइस, फिर अब सीधा घर चलते हैं। अब तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सर दर्द होने लग गया क्योंकि 2 बजने को आए हैं और बहुत तेज, तो अब तो ऐसे होता है मेरे को जन्माष्टमी के फास्ट पे ना पूरे हाँ भूख नहीं लगती, फिर रात को वही 1-2 रोटी खाई जाती है, वैसे लगता है वो इतना कुछ खा लेंगे, ये वो नहीं खाया जाता पर खाते हम घर जाके फटाफट। सो गाइस फाइनली सब कुछ ओवर हो चुका है, फास्ट भी खोल लिया हमने, खाना भी खा लिया है, अब हम सीधा सोने जा रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत बहुत थक गए। आई पता नहीं मेरी गर्दन में ना मैं शायद दो तकिए लगा के सो गई थी तो ना यहाँ पे वो हो गया। और अभी हम बाहर गंदे लग रहे होंगे पर कोई बात नहीं, घर में तो सब गंदे ही लगते हैं। तो गाइस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, और हैप्पी जन्माष्टमी फिर से सबको, खुश रहो बस गाइस। आज का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था, मैं सीधा सोने जाऊंगी, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब वगैरह, बाय। सानू नेड़े ला लाया सी गुची सटियां दिल दे आ मोमे आदतां ने कपियां थोड़े जे आ रूड थोड़े आ रू घंटियां।